की वंदे।2014 में केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद से भाजपा 13 राज्यों की सत्ता में आ चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि लगातार चुनाव जीतने की उसकी छवि अपना प्रभाव खोती जा रही है। राम मंदिर मामले में एक समय फ्रंट फुट पर खेलने वाली बीजेपी आज राम मंदिर मुद्दे से खुद को अलग करने की कोशिश में है। पिछले साल 3 हिंदू हार्टलैंड में बीजेपी की हार को देखते हुए राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान कतई नहीं होगा। तो क्या मान लिया जाए कि भाजपा का कट्टरपंथी हिंदुत्व एजेंडा उल्टा पड़ रहा है? क्या विकास एजेंडे से हटना और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को अपनाना भाजपा के लिए 2019 के लोकसभा चुनावों में महंगा तो नहीं पड़ेगा? ये बड़े सवाल है, क्योंकि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और भारतीय राजनीति में ध्रुवीकरण का बड़ा चेहरा माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पिछले चुनावों में पार्टी ने सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में इस्तेमाल किया था। हालांकि प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफी पसंद किया गया, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ अपना कमाल दोहरा पाएंगे? योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पर काबिज होते ही कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से देश में सनसनी फैल गई और विपक्षी दल केंद्र और राज्य सरकारों पर हमलावर हो गए। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के सरयू तट पर 3 लाख दीयों को प्रज्वलित कर 2019 में अर्धकुंभ से पहले इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया और अपने राज्य में राम की विशाल प्रतिमा बनाने की घोषणा कर केवल 24 घंटे में राम जन्मभूमि विवाद का हल करने का वादा भी कर दिया। अगर योगी आदित्यनाथ का एजेंडा वीएचपी नेतृत्व को यह साबित करना था कि वो नरेंद्र मोदी का विकल्प है और हिंदुत्व के एजेंडे का कहीं गंभीरता से पालन करने की चाहत रखते हैं, तो हाल ही के चुनावी पराजय से उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों के पास इस समय चुनाव में गिनाने के लिए कई उपलब्धियां हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद योगी ने कानून से लेकर शिक्षा तक और सड़कों से लेकर बिजली तक हर क्षेत्र में काम किया है। वहीं केंद्र सरकार के स्कीमों से देश का एक बड़ा तबका काफी संतुष्ट है। मोदी शासनकाल में कूटनीतिक तौर पर भी देश को काफी बल मिला है, लेकिन 2019 चुनावों में मोदी सरकार के सामने हिंदुत्व और विकास में से किसी एक को रणनीति के रूप में अपनाने की सबसे बड़ी चुनौती है।